कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूं। अरे भाई, मेरे पुत्र को हाथ सुन करके। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, शर्तें लागू। सबसे बड़ी बात हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को हाथ सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं, मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सकलेचा जी हो, चाहे हमारे सब पार्टी जो लोग बैठे हुए, सब लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। आपने क्या ट्रेनिंग दे दी है, सोचो। ये झालावाड़ है और उस झालावाड़ को हम हमेशा याद रखेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को हाथ सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं, मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सकलेचा जी हो, चाहे हमारे सब पार्टी जो लोग बैठे हुए, सब लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। आपने क्या ट्रेनिंग दे दी है, सोचो। ये झालावाड़ है और उस झालावाड़ को हम हमेशा याद रखेंगे।